हेलो एवरीवन, वेलकम इन लॉ स्कोप जुडिशरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो जैसा कि हमने कल एक स्टार्ट किया था, फ्री लॉ क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं डेली ना 4:30 पर। तो आज सेकंड क्लास है उसकी, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कल से आगे। कल हमने लिमिटेशन एक्ट के बारे में जनरल चीज़ें जानी, लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर वन। तो पार्ट नंबर वन की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सभी लोगों के पास ऑडियो एंड वीडियो आ पा रही है, तो एक बार मुझे कन्फर्म कर दीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन वन के बारे में। तो आप सभी लोग बेयर एक्ट अपना निकाल लीजिए, और जैसा कि आपने शुरुआत में पढ़ा था, एक क्वेट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। तो आपको एक रजिस्टर कॉपी भी लेके बैठना है, जिससे आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ लगता है कि आपको नोट डाउन करना चाहिए, तो आप तत्काल उसको नोट डाउन करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन वन हमें बताता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट के बारे में, जिसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे। इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है? लिमिटेशन एक्ट 1963। इसका एक्सटेंड की बात की जाए तो होल ऑफ इंडिया पर है, और लागू होने की जो डेट है, इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1964। तो आप ये चीजें याद रखेंगे। आफ्टर दैट सेक्शन टू निकालिए। सेक्शन टू हमें बताता है डेफिनेशन क्लॉज के बारे में, जो कि हर एक्ट में, हर लॉ में कहीं ना कहीं दिया होता है। लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन टू के अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है कि जो इसका डेफिनेशन क्लॉज है बता देता है। डेफिनेशन क्लॉज या इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से एक पार्ट हमेशा होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है? जो भी वर्ड हमने इसमें डिफाइन किए हैं, जो भी मीनिंग हमने इसमें डिफाइन किया है, वो वर्ड या मीनिंग यदि आगे किस इस एक्ट में कहीं प्रयोग होते हैं, तो उस वर्ड का ये मीनिंग जो हमने इस डेफिनेशन क्लॉज में बताया है, वही मीनिंग वहां पर लागू होगा, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो। ठीक है, तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। और जब भी मेंस या मेंस में आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं, डेफिनेशन क्लॉज से आपसे पूछा जाता है, तो डेफिनेशन क्लॉज में इस बात से जरूर स्टार्ट कीजिएगा जो कि शुरुआत में दी होती है हर सेक्शन के सामने, सेक्शन टू के सामने, कि जब तक संदर्भ से अंतर अपेक्षित ना हो, लिमिटेशन एक्ट से तात्पर्य है, या कोई भी डेफिनेशन के अंतर्गत क्या आता है क्या नहीं आता, इस तरीके से आपको जरूर लिखना चाहिए। तो चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन हमें मिलती है सेक्शन 2A, जो कि हमें बताती है एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन, सॉरी, एप्लीकेंट के बारे में, यानी कि आवेदक के बारे में। तो आवेदक के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो आवेदक के अंतर्गत, यानी कि एप्लीकेंट कौन होता है? आवेदक के अंतर्गत हर वो व्यक्ति आता है जो अर्जीदार है, या फिर जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अधिकार प्राप्त करता है, वो आएगा इसके अंतर्गत। या तीसरा वो व्यक्ति आता है, वह व्यक्ति जो निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर उसका प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो निष्पादक के रूप में हो, एग्जीक्यूटिव के रूप में, चाहे वो प्रशासक के रूप में हो, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, या कोई अन्य प्रतिनिधि, अन्य रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यदि वो है, तब भी एप्लीकेंट कहला सकता है। भले ही वो व्यक्ति स्वयं डायरेक्ट एप्लीकेंट ना हो, लेकिन इस माध्यम से भी कार्रवाई कर रहा है, तो भी इस एक्ट के पर्पस से क्या कहलाएगा? एप्लीकेंट कहलाएगा। तो 2A की डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, सेक्शन वाइज कीजिए इसको और याद रखना आपको। आफ्टर दैट, इसके बाद एक सेम डेफिनेशन हमें मिलती है डिफेंडेंट, यानी कि प्रतिवादी की। तो 2E के अंदर डेफिनेशन दे रखी है प्रतिवादी की, तो 2E की डेफिनेशन को निकालिए। 2E की डेफिनेशन हम बताते हैं प्रतिवादी के बारे में। तो प्रतिवादी क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। प्रतिवादी के अंतर्गत भी कौन कौन से लोग आएंगे, कौन कौन व्यक्ति आएंगे, ये हमने बता रखा है। हमने ये नहीं बताया प्रतिवादी कौन होता है, हमने ये बताया प्रतिवादी के अंतर्गत कौन आता है। देखिए, सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई राइट क्लेम करने का अधिकार हमें मिलता है, वो डिफेंडेंट कहलाता है फॉर द पर्पस ऑफ एनी एक्ट। तो इसमें वही हमने बता रखा है कि वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी या दायित्व तो उत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दावा लगाया जा सके, ऐसा अधिकार कोई व्यक्ति को मिलता है, वो व्यक्ति जिसके ऊपर ऐसा राइट लगाने का, दावा लगाने का अधिकार मिलता है, वो डिफेंडेंट कहलाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। या सेकंड क्लॉज हमें मिलेगा, वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक के रूप में, प्रशासक के रूप में या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है, तो वो व्यक्ति भी इस एक्ट के पर्पस से क्या कहलाएगा? डिफेंडेंट कहलाएगा। मान चलिए आपको एक दावा लगाने का अधिकार मेरे अगेंस्ट में है, लेकिन मैंने अपनी ओर से कि एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर रखा है, वो मेरी ओर से कार्रवाई करता है, तो आपके लिए वो एग्जीक्यूटर भी डिफेंडेंट कहलाएगा, ऐसा हमें ऐसा इस एक्ट सेक्शन का कहना है। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन हम मिलते हैं, इसी आधार पर एक डेफिनेशन मिलेगी प्लेंटिव, यानी कि वादी की। हमने प्रतिवादी देख लिया, तो वादी भी देख लेते हैं। तो वादी कौन होता है, प्लेंटिव कौन होता है? प्लेंटिव के अंतर्गत भी वही व्यक्ति आएंगे, वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी वाद लाने का अधिकार उत्पन्न करता है, तो जिसको दावा लाने का अधिकार मिला, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्लेंटिव कहलाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। 2I में इसकी डेफिनेशन दी है। सेकंड वही व्यक्ति,
प्लेंटिपो के अंतर्गत वो व्यक्ति भी आते हैं जो निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि के रूप में उसका दावा लगाने का अधिकार रखते हैं। मान चलिए मुझे एक दावा लगाने का अधिकार है आपके अगेंस्ट में, तो मैं अपनी ओर से, मैं स्वयं ना दावा लगाते हुए अपनी ओर से एक एग्जीक्यूटर को अपॉइंट कर देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देता हूँ या कोई अन्य प्रतिनिधि को अपॉइंट कर देता हूँ, तो हर वो व्यक्ति जो मैंने अपॉइंट किया इस तरीके से, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? एग्जीक्यूटर कहलाएगा, प्लेंटिप कहलाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो टू आई की डेफिनेशन को भी सेक्शन वाइज आपको करना चाहिए। ये तीन डेफिनेशन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इसलिए हमने एक साथ इनको देखा है। तो सभी लोग एक बार अपने वेयर एक्ट में इसको रीड कर लेंगे, क्या आपको समझ में आ गया? कमेंट करके जरूर हमें बता सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट नेक्स्ट डेफिनेशन मिलती है एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की डेफिनेशन कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। तो आवेदन के अंतर्गत क्या आता है? आवेदन के अंतर्गत अर्जी आती है, ऐसा हमने डेफिनेशन दे रखी है। अर्जी का मतलब क्या होता है? कोई तरीके से कोई चीज की मांग करना, वो इसके अंतर्गत आएगी आवेदन के अंतर्गत। लेकिन ना तो दावा आएगा ना अपील आएगी। प्लेंट एंड अपील एप्लीकेशन के अंतर्गत तो नहीं आती है, इस बात को आपको याद रखना चाहिए सेक्शन वाइज करते हुए। तो टू बी में हमने डेफिनेशन किसकी देखी? एप्लीकेशन की। आफ्टर दैट नेक्स्ट डेफिनेशन मिलती है बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र। व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? तो विनिमय पत्र के बारे में या बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करें तो ऐसी ही डेफिनेशन हमें कहाँ मिलती है? इसके बारे में डिफाइन किया गया है इंडियन सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की सेक्शन 5 में भी हमने इसको डिस्क्राइब किया है, वहां पर भी हमने इसके बारे में डेफिनेशन दे रखी है। लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की, इसमें कुछ नहीं दिया। इसके अंतर्गत बोल रहा है हुंडी और चेक आते हैं इसके अंतर्गत। अब हुंडी चेक क्या होते हैं? ये भी एक तरीका है मनी को एक दूसरे को ट्रांसफर करने का, ये भी एक जरिया है हुंडी और चेक, जिसके माध्यम से ऐसा करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत माने जाएंगे। हुंडी के बारे में जो बहुत पहले चला करती थी, आज की डेट में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन चेक आज भी हमारे यहाँ अस्तित्व में है। और इसके बारे में चेक की परिभाषा भी यानी कि डेफिनेशन भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की सेक्शन 6 में दे रखी है, और सेक्शन 6 हमें इसको डिफाइन करता है। तो आप याद रखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत तो हुंडी या चेक आते हैं, ऐसा आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हुंडी और चेक आते हैं या नहीं आते, ऐसा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड के बारे में हमें मिलता है सेक्शन 2D के अंदर। सेक्शन वाइज करेंगे 2D को। और बॉन्ड क्या होता है? देखिए, एक ऐसा कोई कंडीशन सहित कोई बात रखना, कोई बात बोलना कि ये पर्टिकुलर काम यदि आप करेंगे तो हम आपको ये चीज देंगे। इस कंडीशन के साथ आप कोई रखते हैं किसी बात व्यक्ति के सामने कोई बात, तो क्या कहलाएगी? बॉन्ड कहलाएगी, बंध पत्र कहलाएगी, ऐसा हमने इसके अंदर दे रखा है। तो बॉन्ड के बारे में सेक्शन 2D में डेफिनेशन दे रखी है, आप याद रखेंगे। और बॉन्ड क्या होता है? शर्त सहित होता है, इसमें कोई कंडीशन होती है। देखिए सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को इस शर्त के साथ बाध्यता के अधीन कर लेता है कि आपने ये पर्टिकुलर काम किया और ये काम हो गया तो आपको मैं इतना पैसा दूंगा या चीज दूंगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने इसमें देख रखा है कि ए बी से कहता है कि यदि वह क्लास 10 में पास होता है तो उसे वो 10,000 रुपए देगा, ये एक बॉन्ड है, उसने ऐसा लिख के किया। तो जैसे ही वो पास होता है या ना होता है, ऐसे ऑटोमेटिकली वो बाध्यता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ये कार्य जैसे ही होगा, कार्य के होने पर वो ऑटोमेटिकली जो शर्त है वॉइड हो जाती है। तो इसी को कहते हैं बंध पत्र यानी कि बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? सिंपल सी बात, कोई व्यक्ति जब अपने आप को इस शर्त के अधीन बाध्य कर लेता है कि ये पर्टिकुलर काम होगा या नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये बाध्यता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, तो उसी को बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड की डेफिनेशन 2D में दी है, आप लोग एक बार देख लेंगे इसको। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए प्रॉमिसरी नोट, वचन पत्र। वचन पत्र से क्या तात्पर्य है? वचन पत्र के तात्पर्य से हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन हमें 2K में मिलती है इसके अंदर। और 2K की डेफिनेशन ऐसी इसी के बारे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 4 में भी हमने डिफाइन किया है कि प्रक्राम लिखत के अंतर्गत क्या है। प्रक्राम लिखत होता, सॉरी, ये प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, इसके बारे में हमने वचन पत्र के बारे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 4 में भी डिफाइन किया है, ऐसा आप याद रखेंगे। ये क्या होता है? शर्त रहित दस्तावेज होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। इसमें तो सिर्फ सामने वाले को हम कोई लाइबिलिटी के लिए बोलते हैं, हम तो आपको इतना देंगे। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास नोट होते हैं, बैंक जो अपने करेंसी नोट होते हैं उस पर लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। ये क्या है? ये वन ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। मैंने कोई कंडीशन लगाई कि मैं आपको 500 रुपये कब दूंगा? नहीं, किसी भी व्यक्ति को देने का मैं वचन देता हूँ एक परिसीमित समय पर,
यानी कि ऐसा कोई लेखक जो उसके रचयिता द्वारा किसी अन्य को धन की कोई विशेष राशि, कोई निश्चित राशि पर सीमित समय पर, एक टाइम बेसिस पर, या उसके मांग किए जाने पर, या दर्शन पर देने के लिए आबद्ध करता है, तो वो कहलाता है प्रॉमिसरी नोट। ऐसा हमें इसके अंदर डेफिनेशन मिलती है, आप याद रखेंगे। इसके संबंध में विशेष रूप से याद रखिए, शर्त रहित होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। जबकि प्रॉमिसरी नोट जो हमने वो पढ़ा था अभी हमने बॉन्ड, तो बॉन्ड में कंडीशन होती है, ऐसा आपको याद रखना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। हमने जो सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं आप एक बार इसको देख लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो हमें जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप हमारी लाइव क्लासेस से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करना कर सकते हैं। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें तो आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए इस चैनल को जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और जो फ्री क्लासेस की डिमांड करते हैं। तो ये फ्री क्लासेस उन लोगों के लिए ही चालू की गई हैं जो एक्चुअल में कुछ पढ़ना चाहते हैं, जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, और वो इतने सक्षम नहीं है कि इस क्लासेस की फीस अफोर्ड कर पाए। तो आप सभी लोग उनको जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।